अब बेन अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग एलियंस का यूज करता है बिकॉज सभी एलियंस के पास एक दूसरे से अलग अलग पावर्स होती हैं और वही पावर्स उन एलियंस को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है बाकी एलियंस के मुकाबले। और वैसे अलग अलग पावर्स के साथ साथ सभी एलियंस के पास अलग अलग अटैक्स भी होते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेन 10 एलियंस के टॉप 10 पावरफुल अटैक्स की। एंड हाँ, इससे पहले मैंने टॉप 5 पावरफुल अटैक्स ऑफ बेन 10 एलियंस पर एक वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने अब तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर वॉच कर लीजिएगा। एंड हाँ, ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा औसम होने वाली है, तो इस वीडियो को भी एंड तक जरूर से जरूर वॉच करते रहिएगा। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस औसम से वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें नंबर 10 पर आता है शॉक वॉच। अब शॉक वॉच भी काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है बिकॉज शॉक वॉच काफी ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक्स कर सकता है। एंड शॉक वॉच के पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड एजिलिटी जैसी एबिलिटीज हैं। सो आप सोच ही सकते हो कि जो शॉक वॉच होगा वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। बट जो शॉक वॉच का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है वो है फोर्स फील्ड जनरेशन अटैक। अब ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है बिकॉज इस अटैक में जो शॉक वॉच है वो अपने आसपास में एक फोर्स फील्ड को जनरेट करता है और उस फोर्स फील्ड से जो शॉक वॉच है वो अपने एनिमी पर एक इलेक्ट्रिक बीम को शूट कर सकता है। और इतना ही नहीं, इस फोर्स फील्ड को जो शॉक वॉच है वो एक शील्ड टाइप में भी यूज कर सकता है। यानी कि इस अटैक के एक नहीं बल्कि दो फायदे हैं। सो आप सोच ही सकते हो कि अटैक कितना ज्यादा यूजफुल है एंड कितना ज्यादा पावरफुल है। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 10 पर मैंने शॉक वॉच के फोर्स फील्ड जनरेशन अटैक को पिक किया है। तो इस लिस्ट में नंबर 9 पर आता है अपग्रेड। अब अपग्रेड एक ऐसा एलियन है जो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी में मर्ज होकर उसे कंट्रोल कर अपने लिए किसी भी तरह के वेपन को क्रिएट कर सकता है और उस वेपन से वो अपने एनिमी पर अटैक करवा सकता है। और वो अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उसके अटैक के सामने शायद ही कोई विलन टिक पाए। बट एक ऐसा भी अटैक है जो अपग्रेड बिना किसी टेक्नोलॉजी में मर्ज हुए कर सकता है और वो अटैक है अपग्रेड का ऑप्टिक ब्लास्ट। अब देखो भाई, जो अपग्रेड है वो अपने आईज में से एक ऑप्टिक ब्लास्ट को शूट कर सकता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। अब जो अपग्रेड है वो अपने बायोमैकेनिकल ब्लड को एक जगह कलेक्ट कर अपने आईज में से एक ऑप्टिक ब्लास्ट को शूट करता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 9 पर मैंने अपग्रेड के ऑप्टिक ब्लास्ट अटैक को पिक किया है। तो इसमें नंबर 8 पर आता है ब्लड ज़ोल्फर। अब ब्लड ज़ोल्फर भी काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है एंड ब्लड ज़ोल्फर को बेन 10 फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब जो ब्लड ज़ोल्फर है इसके पास काफी सारे अटैक्स है, पर जो ब्लड ज़ोल्फर का सबसे पावरफुल अटैक है वो है सोनिक हाउस अटैक। अब ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है बिकॉज इस अटैक में काफी पावरफुल सोनिक वॉइस को जनरेट करता है और सोनिक वॉइस के सामने ब्लड ज़ोल्फर का अपोनेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। एंड ब्लड ज़ोल्फर इस अटैक को एक तरह के रॉकेट बूस्टर की तरह भी यूज कर सकता है। इस अटैक से जो ब्लड ज़ोल्फर है वो खुद को स्काई की तरफ पुल कर सकता है। एंड इतना ही नहीं, इस अटैक से जो ब्लड ज़ोल्फर का अपोनेंट उस पर अटैक कर रहा है उसको वो वापस से रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। सो ब्लड ज़ोल्फर का सोनिक हाउस अटैक काफी ज्यादा पावरफुल एंड काफी ज्यादा यूजफुल भी है। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 8 पर मैंने ब्लड ज़ोल्फर के सोनिक हाउस अटैक को पिक किया है। सो अब इसमें नंबर 7 पर आता है आए गए। अब आए गए बेन 10 फैंस को काफी ज्यादा पसंद आता है और सही बताऊं तो जब मैं छोटा था तो आए गए की बॉडी पर जितने भी आईज उनको काउंट करने की कोशिश करता था। खैर, अब तक मैं इन सभी आईज को काउंट तो कर नहीं पाया हूँ, वैसे छोड़िए ये सब बातों को। तो देखो भाई, जो आए गए है वो अपनी आईज में से एक एनर्जी बीम को शूट कर सकता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। बट जो आए गए का बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है और वो अटैक है आए गए की ऑप्टिक एनर्जी बीम। अब देखो भाई, ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है बिकॉज इस अटैक में जो आए गए की सभी आईज है वो क्लोज होती है एंड आए गए के चेस्ट पर एक काफी बड़ी सी आई बनती है और उसी आई में से जो आए गए है वो इतनी पावरफुल एनर्जी ऑप्टिक बीम को शूट कर पाते हैं। एंड सही में ये ऑप्टिक एनर्जी बीम काफी ज्यादा पावरफुल होती है। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 7 पर मैंने आए गए की ऑप्टिक एनर्जी बीम को पिक किया है। तो इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है एक्सलरेट। अब एक्सलरेट भी काफी ज्यादा पावरफुल एंड काफी ज्यादा पॉपुलर एलियन है। मतलब एक्सलरेट की स्पीड के बारे में क्या ही कहूँ, बिकॉज जब एक्सलरेट अपनी फुल स्पीड में रहता है तो एक्सलरेट के सामने टाइम ऑलमोस्ट रुक सा जाता है। एंड एक्सलरेट के जितने भी अटैक्स है वो स्पीड से रिलेटेड ही है। सो आप सोच ही सकते हो कि एक्सलरेट की जो स्पीड है वो कितनी ज्यादा होगी। बट जो एक्सलरेट का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है वो एक्सलरेट का टोर्नाडो जनरेशन अटैक। और मतलब ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि इस अटैक के सामने एक टोको स्टार यानी कि वेबिक भी ना टिक पाए। सो आप सोच ही सकते हो कि एक्सलरेट का टोर्नाडो जनरेशन अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होगा।
अटैक में जैक्सा रेट है वो अपने अपोनेंट के चारों तरफ काफी तेजी से घूमता है जिससे जैक्सा रेट है वे टोर्नेडो को जनरेट कर लेता है। उस टोर्नेडो के सामने टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से इस इसमें नंबर 6 पर मैंने एक्स्ट्रा रेट के टोर्नेडो जनरेशन अटैक को पिक किया है। तो इस इसमें नंबर 5 पर आते हैं हीट ब्लास्ट। अब भला किस बेंटन फैन को हीट ब्लास्ट के बारे में नहीं पता होगा, बिकॉज हीट ब्लास्ट ही वो एलियन है जिसमें बेन सबसे पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ था और बेंटन फैंस ने भी सबसे पहली बार हीट ब्लास्ट को ही देखा था। मतलब हीट ब्लास्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है बिकॉज हीट ब्लास्ट काफी पावरफुल फायर अटैक्स कर सकता है एंड हीट ब्लास्ट के पास और भी बहुत सारी पावर्स है जो कि उसे और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है। बट जो हीट ब्लास्ट का बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है वो है फायर टोर्नेडो जनरेशन अटैक। मतलब ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है बिकॉज इस अटैक में जो हीट ब्लास्ट है वो एक टोर्नेडो को जनरेट कर लेता है, वो भी कोई आम टोर्नेडो नहीं एक फायर टोर्नेडो। सो आप सोच ही सकते हो कि जो हीट ब्लास्ट का फायर टोर्नेडो अटैक है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 5 पर मैंने हीट ब्लास्ट के फायर टोर्नेडो अटैक को पिक किया है। तो इस इसमें नंबर 4 पर आता है एको एको। अब भला किसको एको एको की वॉइस पसंद आती होगी, बिकॉज एको एको काफी पावरफुल वॉइस को जनरेट कर सकता है एंड साथ ही साथ एको एको अपने क्लोन्स को भी क्रिएट कर सकता है, वो क्लोन्स भी काफी पावरफुल वॉइस को जनरेट कर सकते हैं। बट जो एको एको का सबसे पावरफुल अटैक है वो है वॉल ऑफ साउंड अटैक। अब इस अटैक में जो एको एको है वो अपने क्लोन्स की हेल्प से एक वॉल को जनरेट करता है एंड फिर सभी एको एको मिलकर एक काफी पावरफुल सोनिक वॉइस को जनरेट करते हैं जिनसे जो उनका अपोनेंट होता है वो उस वॉइस के सामने कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाता है। मतलब एक एको एको कम था कि यहाँ पर इतने सारे एको एको मिलकर उस अपोनेंट पर अटैक करते हैं। भाई अपने अपोनेंट्स पर रैम कर दिया करो, कहीं उनकी जान ना निकल जाए। वैसे एको एको का वॉल ऑफ साउंड अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 4 पर मैंने एको एको के वॉल ऑफ साउंड अटैक को पिक किया है। तो इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है टोपिक। अब भला किसको टोपिक से डर नहीं लगता होगा, और खासकर साइफन को तो टोपिक से कुछ ज्यादा ही डर लगता है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि जो टोपिक का फेस है वो काफी ज्यादा क्रीपी है और बेंटन की सीरीज में लगभग सभी हैं जो टोपिक के फेस को देखकर डर जाएंगे। यहाँ तक कि बेंटन सीरीज के सबसे पावरफुल स्पीसीज यानी कि सेलेस्टियन सेपियंस भी टोपिक के फेस को देखकर डर जाएंगी। और यही है टोपिक का सबसे पावरफुल अटैक। अब जो टोपिक का फेस है वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी है जिसे देखकर कोई भी डर जाएगा, और इस अपने फेस की हेल्प से टोपिक किसी को भी डरा सकता है एंड किसी को भी डिफीट कर सकता है। मतलब सेलेस्टियन सेपियन स्पीसीज भी टोपिक के फेस को देखकर डर सकती है, तो टोपिक के फेस के क्या है कहने। अब मतलब जो टोपिक का फेस वाला अटैक है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, सो इसी वजह से इस इसमें नंबर 3 पर मैंने टोपिक के फेस अटैक को पिक किया है। तो इस इसमें नंबर 2 पर आता है पेस्की डस्ट। पेस्की डस्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है। हाँ हाँ भाई, मैंने पावरफुल एलियन ही कहा है, अपने कान चेकअप करवाने मत चले जाना डॉक्टर के पास, मैंने पेस्की डस्ट को पावरफुल एलियन ही कहा है। तो देखो भाई, जो पेस्की डस्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है, और बहुत सारे बेंटन फैंस को ये लगता है कि पेस्की डस्ट काफी ज्यादा वीक है, और यहाँ तक कि पहले मुझे भी लगता था कि जो पेस्की डस्ट है वो काफी ज्यादा वीक है, पेस्की डस्ट को तो कोई भी डिफीट कर देगा। बट ऐसा नहीं है, पेस्की डस्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल है, जो पेस्की डस्ट को इतना ज्यादा पावरफुल बना रही है वो है पेस्की डस्ट की स्लीपिंग डस्ट अटैक। अब देखो भाई, जो पेस्की डस्ट की स्लीपिंग डस्ट अटैक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब जो पेस्की डस्ट की स्लीपिंग डस्ट अटैक है इसमें जो पेस्की डस्ट का अपोनेंट होता है वो सो जाता है। अब पेस्की डस्ट अपने स्लीपिंग डस्ट अटैक से एक पॉलीमॉर्फ स्पीसीज यानी कि गूप को, गैल्वेनिक मैकोमॉर्फ यानी कि अपग्रेड को, इक्योरोनाइट्स यानी कि घोस्ट फ्रिक को, अल्टीमेट केविन एंड यहाँ तक कि सेलेस्टियन सेपियंस तक को भी सुला सकता है। हाँ भाई, मैंने सेलेस्टियन सेपियंस ही कहा है, फिर से अपने कान चेकअप करवाने मत चले जाना। सेलेस्टियन सेपियन स्पीसीज तक को भी पेस्की डस्ट अपने स्लीपिंग डस्ट अटैक से सुला सकता है। सो आप सोच ही सकते हो कि जो पेस्की डस्ट है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, एंड इसी वजह से इस इसमें नंबर 2 पर मैंने पेस्की डस्ट के स्लीपिंग डस्ट अटैक को पिक किया है। तो इस इसमें नंबर 1 पर आता है क्लॉकवर्क। अब क्लॉकवर्क कितना ज्यादा पावरफुल एलियन है ये मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सभी को पता है कि क्लॉकवर्क के पास टाइम से रिलेटेड पावर्स है, एंड जिस एलियन के पास टाइम से रिलेटेड पावर है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा ये मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो क्लॉकवर्क का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है वो है क्लॉकवर्क की टाइम रेज। अब जो क्लॉकवर्क है वो उस टाइम रेज को अपने चेस्ट या फिर अपने हैंड में से शूट करता है। अब क्लॉकवर्क की जो टाइम रेज है वो अलग अलग चीजें कर सकती हैं, जैसे कि किसी भी चीज को दूसरे टाइमलाइन में भेज सकती है एंड किसी को भी वापस से टाइमलाइन में रिस्टोर करवा सकती है जिसे टाइमलाइन से इरेस्ट कर दिया गया है, एंड इसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो क्लॉकवर्क की टाइम रेज कर सकती है। सो क्लॉकवर्क की
टाइम रेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर फर्स्ट पर मैंने क्लॉकवर्क की टाइम रेस अटैक को पिक किया है। सो यही थे बेंटेन एलियंस के टॉप 10 पावरफुल अटैक्स। अब अगर आपको टॉप 5 पावरफुल अटैक्स ऑफ बेंटेन एलियंस वाली वीडियो को देखना है तो उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर वॉच कर लीजिएगा। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटेन फैंस के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।